दुनिया का कोई देश हो, कोई शहर हो, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि आप रात बिरात अकेले कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई आदमी आपके सामने आ जाए, चाकू दिखाए और आपका पर्स, आपका फोन, घड़ी कुछ छीनने की कोशिश करे। ऐसी ही एक घटना हुई अमेरिका में। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। एक कार पार्किंग से दो महिलाएं निकल रही थी और अचानक उनके सामने एक 27 साल का लड़का आया। उसने चाकू दिखाकर एक महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। जब वो पर्स छीन रहा था, ठीक उसी समय दूसरी महिला बड़ी जोर जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अचानक ये युवक चौंका और फिर वहां से भागने लगा। खैर, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई तो पेशी के दौरान बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। उस युवक ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं तो नींद में था। इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें ये सिद्ध हो गया कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। उसके घर के लोगों से पूछताछ की गई और उन्होंने भी बताया कि ये बीमारी उसे तब से है जब वो 7 साल का था। नींद में चलने वालों को लेकर कई तरह के जोक्स सुनने में आते रहते हैं, लेकिन सचमुच कभी कभी बड़ी दिलचस्प घटनाएं हो जाती हैं। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है जो इंडिया का है। वहां बहुत सालों पहले ऐसा हादसा हुआ था। एक ट्रेन थी जो साधारण स्पीड से जाने वाली ट्रेन थी, छोटे स्टेशन से होके ये ट्रेन जाती थी और एक दिन अचानक वो सुपर फास्ट स्पीड में एक के बाद एक 3 स्टेशन क्रॉस करती हुई चली गई बिना रुके। उसके बाद स्टेशन मास्टर्स के आपस में कॉल हुए। परेशानी सामने आ रही थी कि भाई इस ट्रेन को एक तो यहाँ रुकना था, ये रुकी नहीं, दूसरी बात ये इतनी तेज स्पीड से ट्रेन गई है, ये सब क्या माजरा है। खैर, किसी तरह से 3 स्टेशन के बाद उस ट्रेन को रोका गया और जब रोका गया और उस आदमी को बाहर निकाला गया जो ट्रेन चला रहा था, तो पता चला कि वो ट्रेन का ड्राइवर नहीं था, वो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं था, वो तो पता नहीं कौन आदमी था। उसे भी नींद में चलने की बीमारी थी, उसे पता ही नहीं, वो तो घर से उठ के चलता हुआ स्टेशन पे चला आया, सामने ट्रेन खड़ी थी, उसमें घुस गया, ट्रेन ली और चल पड़े, और वो भी धीमे धीमे नहीं, सुपर स्पीड। वो तो अच्छी थी किस्मत की ट्रेन की पटरियां यानी ट्रैक्स उसको खाली मिले और कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ऐसे हादसे भी हो जाते हैं, कभी होश में, कभी नींद में। ए